हेलो दोस्तों 2021 की शुरुआत से जो बीमारी पेट पूल के प्लेयर्स झेल रहे हैं उस बीमारी का इलाज आज की वीडियो में आपको मिलने वाला है आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर होगी लेकिन जो दर्द आप लोगों ने इन दो ढाई साल में सहा है उस दर्द का इलाज पूरा हंड्रेड परसेंट तो नहीं लेकिन सिक्सटी से सेवेंटी परसेंट तो लगभग लगभग हो गया है दोस्तों मैं जब भी मैच प्ले करता हूँ और मेरा सामना किसी हैकर से होता है तो मैं शांति से बैठकर उसको जीते हुए नहीं देख सकता सबसे पहला काम मैं ये करता हूँ कि उसको रिपोर्ट करता हूँ दूसरे नंबर पे मैं उसको अपने फ्रेंड लिस्ट में डाल लेता हूँ जिससे कि मैं उसकी आगे की प्रोग्रेस को फॉलो कर सकूँ उसका क्या रिजल्ट होता है फॉलो करने का वो मैं आपको आगे किसी वीडियो में दिखाऊँगा पहले आज की वीडियो आप पूरी देख लें मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से मैंने हैकर्स के सिस्टम को ब्रेक किया है ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है आपके साथ कुछ और भी हो सकता है वो नेगेटिव भी हो सकता है और वो हो सकता है कि इससे भी अच्छा हो तो इस वीडियो के पहले और दूसरे केस में आप ये देखेंगे कि आप हैकर के सिस्टम को ब्रेक कर रहे हैं और हैकर के हाथ से स्ट्राइक जा रही है यहाँ पर आपको ये मैसेज देखने को मिलेगा कि ये बंदा मतलब जो भी इसका नाम है ये फेल टू हिट ए स्ट्राइप्ड बॉल या फेल टू पॉट स्ट्राइप बॉल इन कार्ड पॉकेट और उसके बाद आपको बॉल इन हैंड मिल जाएगी अब आप देखेंगे ये तीसरा केस पहले दो केसेस में ये पॉसिबिलिटी है कि हैकर के स्ट्राइक ब्रेक होने के बाद भी जो मैसेज आपको दिखाई पड़े वो फेक दिखाई पड़ सकता है आपको हो सकता है स्ट्राइक ना मिले लेकिन यहाँ पर ये जो तीसरा केस आपकी स्क्रीन पर रन कर रहा है इस केस में क्या होगा कि ट्रिक लगने के बाद मैच खत्म हो जाएगा जब मतलब ये मिनिमाइज और मैक्सिमाइज की ट्रिक है जैसा कि अभी आप देख के समझ ही चुके होंगे कि मैं बार बार गेम को मिनिमाइज़ और ओपन कर रहा हूँ तो जब लास्ट टाइम आप मिनिमाइज करके ओपन करेंगे तो मैच ख़त्म हो चुका होगा लेकिन जब आप अपने प्रोफाइल में जाकर देखेंगे तो आपकी बेनिस्टिक जीरो नहीं होगी एक होगी या जो भी विनिंग आपकी बनी होगी उसमें एक पॉइंट इंक्रीज हो चुका होगा तो इसका साफ साफ मतलब है कि ये जो मैच अभी ख़त्म हुआ है ये मैच मैंने जीता है ये केस नंबर चार है और ये बर्लिन का मैच है आप साफ साफ शॉट देखकर कर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यह बंदा हैक लगा कर प्ले कर रहा है इस मैच में आप आगे देखेंगे कि मैंने बाकायदा उसकी स्ट्राइक को ब्रेक किया है सिर्फ इस ट्रिक के दम पर वो अपनी कंटिन्यूस बॉल स्पॉट कर रहा था लेकिन ट्रिक की वजह से उसकी स्ट्राइक ब्रेक हो गई और मुझको बॉल इन हैंड मिल गई और उसके बाद इस मैच को मैंने प्रॉपरली विन कर लिया Thank okay. you. इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग मैच ये है ये क्रिम्सन मून की क्रिप्ट टेबल पर प्ले किया जा रहा था और इस मैच में मुझे एक हैकर मिल गया तो अब आप देखेंगे कि ये ट्रिक क्या है इस ट्रिक में क्या करना है जैसे ही आइडेंटिफाई हो कि आपको हैकर मिला है तो सबसे पहले आप उसको रिपोर्ट कर दें और उसके बाद अपने गेम को मिनिमाइज़ कर दें दस सेकेंड की काउंटिंग करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन और उसके बाद अपने गेम को ओपन करेंगे ओपन होने से पहले आप अपना नेटवर्क कनेक्शन बंद कर देंगे तो गेम एक बार फिर से इस तरह से दिखाई पड़ेगा नो नेटवर्क और फिर से पाँच सात सेकंड के गैप के बाद आप अपना नेटवर्क खोलेंगे और गेम को ओपन करेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि आपको एक शॉट बार बार रिपीट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है जिस शॉट पे आप मिनिमाइज़ करेंगे वही शॉट फिर से आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा फिर आप मिनिमाइज करेंगे फिर ओपन करेंगे फिर से वही शॉट आपको डिस्प्ले होगा जैसे कि उस शॉट का रिप्ले चल रहा हो चार पांच बार ऐसा करने के बाद आप है करके सिस्टम को ब्रेक कर देंगे इस मैच में क्रिप्ट का मैच था तो इसमें लास्ट बॉल क्वेश्चन से निकालनी थी और एक बार मैंने उसकी स्ट्राइक को ब्रेक किया और उसकी वाइट बॉल पॉट हुई है और आप देख सकते हैं कि मैच में मेरे हाथ में बॉल है और ये रेड और अपर राइट कॉर्नर पे ग्रीन बॉल मेरी है और ये ब्लैक बॉल जो रखी हुई है ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है इसको पॉट करना मुझे आसान नहीं लग रहा है मेरा स्पिन काम कर जाए लेकिन मेरे स्पिन ने ही काम नहीं किया है मेरी बॉल बैक नहीं आई है और मैं ब्लैक बॉल को छू भी नहीं पा रहा हूँ तो दोस्तों ये ट्रिक काम तो की लेकिन मेरा टैलेंट यहाँ पर थोड़ा सा कम पड़ गया लेकिन अभी, अभी 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 कुछ और होना है मैं इसको फिर से मिनिमाइज कर रहा हूँ आप बॉल की पोजीशंस याद रखना देखना कि कौन सी बॉल कहाँ पर है ब्लैक बॉल की पोजिशन क्या है फिर से नेटवर्क कनेक्शन ड्रॉप किया है फिर से इसको ओपन कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि एक बार फिर से उसकी स्ट्राइक ब्रेक हो गई है और ये सारी बॉल्स अपनी पोजीशन पर मौजूद हैं जबकि मैसेज ये आ रहा है कि उसने अपनी वाइट बॉल पॉट की है अब ये पोजीशन मैं चूकने वाला नहीं हूं इस मैच को मैंने अब जीत लिया है तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो पर आप लोग बहुत जमकर लाइक करेंगे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार